हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस में ट्यूटोरियल। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का सोशल साइंस का सेट वन। ठीक है, इसमें टाइम आपको दिया रहेगा 1 आवर एंड 30 मिनट, यानी कि कुल मिलाकर 90 मिनट्स दिया हुआ रहेगा आपको सॉल्व करने के लिए एग्ज़ाम में। ठीक है, और मार्क्स जो है 40 मार्क्स का है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर निर्देश कुछ कुछ दिया हुआ है। 40 कुल प्रश्नों की संख्या 40 रहेगा। ठीक है, और सभी प्रश्न जो रहेगा सभी 1-1 मार्क्स का रहेगा। तो अब चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी। ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी। यहाँ पर फ्रांस की क्रांति याद रखिएगा ऑप्शन डी 1789 में शुरू हुआ था। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक उपबंध जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, यह इस नाम का एक पुस्तक है, इस पुस्तक को किसने लिखा था। तो इस पुस्तक को लिखने वाला यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन ए में है जो कि रूसो, तो इसका राइट आंसर रूसो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन बी में है मेजिनी बात एक ही है। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ, यह आप अलग अलग जगह पर सर्च करेंगे तो सब जगह अलग अलग मिलेगा, लेकिन आपका जो बुक है एनसीईआरटी बुक उसमें आप देखिएगा तो आपको मिलेगा 1870, जो कि ऑप्शन गा में है। ठीक है, ऑप्शन सी में है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है स्थापना किसकी पहल में की गई थी। ठीक है, तो यह जो था पर्सा के पहल में की गई थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जालियांवाला बाग हत्याकांड कब 1919, जो कि ऑप्शन ए में है, ये हो जाएगा। ठीक है, जनरल डायर ने आदेश दे दिया था। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे लोग भी मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की। तो यहाँ पर हिंद स्वराज नामक पुस्तक की स्थापना महात्मा गांधी, जो कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यानी कि खा में है, तो ये खा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था। तो इसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, जो कि ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं गांव में है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रिटिश सरकार यानी कि अंग्रेज जो था कैसर ए हिंद की उपाधि किसे सम्मानित किया। ठीक है, तो ये जो था यहाँ पर ऑप्शन डी में जो यहाँ है महात्मा गांधी, इसे मिला था कैसर ए हिंद की उपाधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो सीमांत गांधी अब्दुल गफर खान को कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के, तो जो कि ऑप्शन ए में है जैव और अजैव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, यहाँ पर इसका मुख्य कारण हो जाएगा अधिक सिंचाई, जो कि ऑप्शन खा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया। तो इसका जो है पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992, जो कि ऑप्शन क में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। तो हम लोग जानते हैं महाराष्ट्र में तो पाया जाता है, गुजरात में भी पाया जाता है, मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, राजस्थान में मिट्टी कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में तो बालू पाया जाता है, तो ये इसका ऑप्शन घा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण है। ह्रास मतलब कि सही कारण नहीं है, अच्छा यहाँ सही कारण नहीं है, ह्रास कहने का मतलब कि उसका नुकसान। तो कृषि प्रसार में इसका काज में जो ऑप्शन है कृषि प्रसार, इसमें ह्रास नहीं होता। वृहद स्तरीय विकास परियोजना, इसमें तो ह्रास होता है। पशु चारण और लकड़ी ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, इसमें भी ह्रास होता ही है। इसमें भी आगे ऑप्शन दिया है औद्योगिकीकरण और शहरीकरण, इसमें भी तो ह्रास होता ही प्रसार, ये इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ। तो बाघ परियोजना का शुरुआत 1973 में हुआ, जो कि ऑप्शन बी में है, खा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है। ठीक है, तो इस श्रेणी में आपका यहाँ पर संकटग्रस्त जातियाँ भी है, दुर्लभ जातियाँ भी है, लुप्त जातियाँ भी है। तो यहाँ से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया, तो इसमें क्या हो जाएगा चंद्रगुप्त, इसमें जितना भी ऑप्शन देखिए तो इसमें नहीं है, इसमें ऑप्शन होना चाहिए जो है आंसर वह खिलजी हो जाता, ठीक है। यहाँ पर खिलजी नहीं है, इसमें याद रख लीजिएगा जो है इसमें आंसर होगा दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई करने के लिए खास निर्माण किसने करवाया था, तो खिलजी ने करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 का क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है, यहाँ बोल रहा है नहीं है, तो आप देख सकते हैं घा, इसमें ऑप्शन अच्छा सा पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन घा इसका सही हो जाएगा, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये जीके का क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध नदी जो है यहाँ पर बांध जो है बनाया गया, वो किस नदी पर, तो नर्मदा नदी पर, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं विकास दर निर्धारित करने के लिए प्रति व्यक्ति आय भी देखना होगा, लोगों का स्वास्थ्य वगैरह ठीक है कि नहीं भी देखना होगा, साक्षरता दर ठीक है कि नहीं वो भी देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है यानी कि घा उपरोक्त सभी, ये इसका राइट आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि किसी देश में चार परिवार है, ठीक है, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 है, प्रति व्यक्ति आय 5,000 है, तो 5×20,000 हो जाएगा टोटल आय, ठीक है, 20,000 हो जाएगा। अब तीन परिवार का आय जो है यहाँ पर दिया हुआ है 4,000, 7,000, 4,7, 11,000 हो गया, और तीसरा परिवार जो है उसका 3,000 है, तो 11 और 3, 14,000, तो चौथे परिवार का कितना होगा, तो 20,000 में 14,000 घटा देंगे तो बच जाएगा 6,000, यानी कि जो कि ऑप्शन डी में है, घा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्वास्थ्य शिक्षा प्रति व्यक्ति आय सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन घा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1,000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु से पहले एक वर्ष के बीच वाले बच्चा ऐसे भी शिशु कहलाता है, ठीक है, तो शिशु जो मर जाता है तो क्या कहलाएगा, प्रति 1,000 में अगर होता है मृत्यु, तो ऑप्शन ए में शिशु मृत्यु दर ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 25, वनोत्पादक संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है, तो ये प्राथमिक है, ठीक है, वन उत्पाद यानी कि वन वगैरह हो गया, पेड़ पौधा से जो भी चीज़ प्राप्त होता है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं तो और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का पालन अनुपालन करना होता है, क्या कहलाते हैं, तो वैसे क्षेत्र संगठित क्षेत्र कहलाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, रमेश सुरेश नरेश और राकेश चार भाई है, ठीक है, रमेश खेत में काम करता है, ये खेत में काम कर रहा है, ठीक है, और सुरेश जो है फैक्ट्री में काम कर रहा है, ये फैक्ट्री में काम करता है, नरेश एक शिक्षक है और राकेश जो है एक टैक्सी ड्राइवर है, तो यहाँ जो है इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, तो जो टैक्सी ड्राइवर है किसी वो भी सेवा दे रहा है, शिक्षक भी सेवा दे रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं नरेश और राकेश हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन गा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 28 का कह रहा है, रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है, वह रोजगार की गारंटी देने वाले सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है, रोहन को वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगा, तो इसमें 100 दिन की रोजगार की गारंटी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है 29 में कि एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के चार व्यक्ति काम करते हैं जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूँ का उत्पादन होता है, लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने एक वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार साथ मिलकर कार्य किया परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई, करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा, तो इसमें जो होगा खेती वगैरह जो भी किया जाता है उसमें अगर कोई ये करता है आधारित रहता है तो मौसमी बेरोजगारी कहलाता है। इसमें देखते हैं क्या कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की गणना क्यों की जाती है, तो इसमें जो है अधिक लागत की समस्या से बचने के लिए, ठीक है, इसका जो गम आंसर है ये हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा 31, सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में से निम्न में कौन सा कथन असत्य है, यहाँ पर असत्य बोला गया है, ठीक है। तो इसका आप पढ़कर देख सकते हैं, इसमें जो है ग हो जाएगा इसका राइट आंसर है, क्या है, निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है, तो इसमें से ये स्पेनिश जो कि खा में है ये इसका आंसर हो जाएगा, ये भाषाई समूह में ये भाषाई समूह नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया, तो ये सिंहली को किया गया क्योंकि वहाँ पर सिंहली भाषा के लोग ज़्यादा थे, ठीक है, इसकी संख्या ज़्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो श्रीलंका जो है स्वतंत्र राष्ट्र 1948 में बना था, जो कि ऑप्शन घ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पर 35 क्या कह रहा है, निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है, यहाँ पर विशेषता नहीं है ये कह रहा है, तो आप पढ़ के अच्छे से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन ग में जो है विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं या इसका विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 36, ये निम्न में कौन भारत के अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है, तो ये अरबी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हैं राज्य सरकार राज्य सूची सही है, केंद्र सरकार संघीय सूची भी सही है, केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची ये भी सही है, स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार ये इसका नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी यानी कि घा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य ये कह रहा है, ठीक है, तो आप इसमें से पढ़ कर देख सकते हैं इसका खा हो जाएगा, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया ये हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, 39 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें से आप देख सकते हैं दबाव समूह ये जो है राजनीति में सीधे भाग लेते हैं ये इसका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, निम्न में सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर ये नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन ये भी सही है, और खाद विक्रेता का संघ दबाव समूह ये नहीं है, तो यहाँ पर इसका 40 का खा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन था सोशल साइंस का, इसी तरह का आप और भी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें वैसे आप तक पहुँच जाए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी यह चीज़ पहुँच सके, और इस जितना भी इस जैक बोर्ड में जितना भी मॉडल क्वेश्चन जारी किया गया सभी मॉडल क्वेश्चन का आपको वीडियो उपलब्ध करा देंगे बहुत जल्द, ठीक है। बस केवल वीडियो में यहाँ पर चैनल पर बने रहें।